और जैसे भी ये जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको लाइक बैट पसंद करना है तो वो कैसे पसंद कर सकते हैं बैट? हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आई होप आप सभी एकदम ठीक होंगे। सो भाई, इस व्लॉग में वैसे तो क्रिकेट नहीं है, बट क्रिकेट के रिलेटेड एक कुछ स्पेशल चीज है जो एक हर क्रिकेटर का सपना होता है कि वो एक किसी ब्रांड से स्पॉन्सर्ड हो एक ना एक दिन। तो वैसे मैं पास्ट में हो रखा हूँ बहुत सारे ब्रांड से स्पॉन्सर्ड, बट अभी रिसेंटली मेरे को एक ब्रांड ने DM करा था इंस्टाग्राम पे, एंड मैंने उनकी प्रोफाइल चेक करी तो उनकी प्रोफाइल मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगी। एंड आज उन्होंने मेरे को इनवाइट करा है अपने फैक्ट्री में, और जो उनकी शॉप है वहाँ पर उन्होंने मेरे को इन्वाइट करा है कि अंकित आप एक बार विजिट करो और आप हमारे क्रिकेट इक्विपमेंट्स देखो, अगर आपको पसंद आएंगे तो हम आपको स्पॉन्सर्ड करना चाहते हैं। तो भाई, इससे ज़्यादा प्राउड मोमेंट तो और क्या ही हो सकता है एक क्रिकेट प्लेयर के लिए कि भाई वो अपने गेम को फोकस कर रहा है एंड कोई ब्रांड आती है और उसको सपोर्ट करती है। पहले तो ऐसी ब्रांड को थैंक यू सो मच कि आप मेरे ऊपर इतना ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं कि आपको मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी लगती है कि मैं आपके ब्रांड के प्रोडक्ट को यूज़ करूँ। तो थैंक यू सो मच जिस ब्रांड ने मेरे को स्पॉन्सर्ड करा, वो आप लोग को आगे जाके पता चलेगा। व्लॉग बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत ज़्यादा दिल के करीबी वाली व्लॉग है, तो इस व्लॉग को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो बेसिकली मेरे को जाना है GTB नगर, वहाँ पे मेरे को जो ओनर भैया, जो ब्रांड के ओनर भैया हैं वो मेरे को मिलेंगे, वहाँ से वो मेरे को पिक करेंगे, फिर वो मेरे को लोकेशन पे लेके चलेंगे। तो हम लोग जाएंगे यहाँ से सेक्टर 10 अपनी स्कूटी पे, फिर वहाँ पे अपनी स्कूटी पार्क करूँगा, फिर हम लोग जाएंगे मेट्रो में। चलो भाई, बिना टाइम वेस्ट करे हुए इस व्लॉग को एक्साइटिंग बनाने के लिए निकलते हैं। बाकी भाई, आप सभी को पता ही होगा, जो भी मेरे पुराने व्यूअर्स जुड़े हुए हैं मेरी व्लॉग्स में बहुत टाइम से, तो सभी को पता होगा कि हम पे भाई अपनी स्कूटी, तो हम लोग अपनी स्कूटी से ही हर जगह ट्रैवल करते हैं। तो भाई अपनी स्कूटी से ही जाएंगे हम लोग सेक्टर 10 तक। एक दिन वो भी आएगा कि हम लोग अपनी गाड़ी से जाएंगे भाई, वो दिन भी जल्दी आएगा। बाकी भाई, हर व्लॉग में यही चीज़ बोलता हूँ कि भाई जो सामान आपके पास है उसकी कदर करा करो गाइस। जैसे मेरी अभी स्कूटी है तो मैं इसकी पूरी कदर करता हूँ, एकदम इसको अच्छे से एकदम साफ करता रहता हूँ रेगुलर। और अभी 3-4 दिन से मैंने स्कूटी अपनी निकाली नहीं थी, इसलिए थोड़ी गंदी हो रही है। देखो गाइस, यहाँ पर काम भी चल रहा है, ये सामने वाला घर बन रहा है तो इसलिए यहाँ पर काम चल रहा है, तो धूल वूल बहुत ज़्यादा ही उड़ती है, इसलिए अभी स्कूटी मेरी थोड़ी गंदी हो रखी है भाइयों। बाकी एक चीज़ बोलूँगा भाई, भगवान सच में होते हैं यार, क्योंकि भाई रिसेंटली जिसने मेरी रिसेंट ब्लॉग्स देखी होंगी उन सभी को पता होगा कि पहले मेरे ग्लव्स फटे, जैसे ही मेरे ग्लव्स फटे वैसे ही मनाली गया था, फिर वहाँ पे मेरे को 2 pair ऑफ ग्लव्स मिल गए, ठीक है। फिर उसके बाद मैं दिल्ली आया वापस, और भाई फिर मेरे बैट टूट गए। अभी रिसेंट ब्लॉग्स आप लोग देख रहे होंगे कि मैं टूटे हुए बैट से खेल रहा हूँ, और कुछ टाइम बाद मैं किसी और का बैट मांग के खेल रहा हूँ। तो भाई एकदम से क्या होता है, मेरे पे 3-4 brand के DMs आते हैं भाई इंस्टाग्राम पे, भाई तो सच में भाई गॉड होता है। बस आप लोग मेहनत करो, मेहनत करते रहो, भगवान आपको पक्का एक ना एक दिन फल जरूर देगा। सो गाइस, फाइनली वेट इज ओवर एंड हम लोग पहुंच चुके हैं भैया जी के पास, हमारे मंजीत भैया। हाय भैया, हाउ आर यू? आई एम गुड। कैसे हो भैया? ऑल गुड, ऑल गुड। सो गाइस, पीछे आप लोगों ब्रांड का नाम दिख रहा होगा, अस्ताद स्पोर्ट्स। तो फाइनली वेट इज ओवर कि कौन सी ब्रांड ने मेरे को DM करा था, तो भैया ने मेरे को DM करा था एंड हम लोग आ चुके हैं। दूर तो है थोड़ा भैया आपका, ये जो है ज्यादा दूर नहीं है, थोड़ा तो है भैया, दिल्ली ज्यादा दूर नहीं है माही। सो गाइस, यहाँ पे आया भाई, अंदर घुसते गए आती, मैं क्या देख रहा हूँ भाई, एक क्रिकेट प्लेयर के लिए जन्नत, जन्नत ही है भैया क्रिकेट प्लेयर के लिए जगह, नो डाउट। ये देखो गाइस, जन्नत, क्रिकेट प्लेयर के लिए जन्नत यार, मतलब भाई इतने सारे बैट्स, ओहो हो 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 यार, बैट ही बैट है, बैट ही बैट है, बैट ही बैट है। बेसिकली गाइस, भैया सिर्फ अपने ब्रांड का ही प्रोडक्ट बनाते हैं, जो भी है इन पे और कोई ब्रांड के प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, ये सिर्फ अपने ब्रांड के लिए ही वर्क करते हैं। तो भैया, आपके जो ब्रांड है उसकी आपने स्टार्टिंग कैसे करी? स्टार्टिंग मैंने 2022 में करी थी। ओके, फैक्ट्री जो है, जो हमारे रिलेटिव की है, वो तो 1965 से है। ओके, लेकिन मैंने अपने ब्रांड पे 2022 से काम शुरू किया था। काम शुरू किया, तो यहीं पे आप कर रहे हो स्टार्टिंग से वर्क? यहीं से, ऑफिस यहीं पे, फैक्ट्री जलंधर। अच्छा, फैक्ट्री जलंधर में। भैया के जो फैक्ट्री है वो जलंधर में, वहाँ पे भी हम लोग इन फ्यूचर विजिट करेंगे, बट अभी भैया ने मेरे को अपने ऑफिस में बुलाया एंड यहाँ पे भैया ने मेरे लिए कुछ बैट्स सेलेक्ट कर रखे हैं, बट भैया भी मेरे को बहुत सारे बैट्स शो करने वाले हैं। एंड एक चीज गाइस, भैया अभी किट बैग के ऊपर वर्क नहीं करते हैं, किट बैग के लिए क्यों भी वर्क नहीं करते हो? अभी सिर्फ बैट्स और सॉफ्ट लेदर पे फोकस है, सॉफ्ट लेदर, जैसे कि पैड्स, ग्लव्स, थाई पैड्स, अभी सिर्फ इसको फोकस है। और बाकी भाई, बैट्स मैंने आके ऑलरेडी चेक कर लिए हैं भाई, बहुत तगड़े तगड़े बैट हैं, और कुछ बैट अभी हमारे भैया भी हमें दिखाने वाले हैं। चलो भैया, जरा एक तो शुरू करते हैं। सुपर लाइट वेट 1160 ग्राम्स और
फुल प्रोफाइल है, स्पाइन भी एंड तक है, और आप इसका बैलेंस चेक करके जरा मुझे बताओ। व्यूअर्स अंकित कुमार को देखना आते हैं। व्यूअर्स थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी। पहले हम जरा पंच दिखाते हैं हमारे व्यूअर्स को। देखो गाइस, अरे भाई उड़ रही है गाइस, बोलता हूँ गाइस, बैक टू बैक दो सेंचुरी आई है, डबल सेंचुरी रह गई है दोनों मैच में। एक मैच में 140 आउट हो गया और एक मैच में 130 पे आउट हो गया। बट अब मुझे लग रहा है इस बैट से डबल सेंचुरी आने वाली है। और एक और बैट मैं आपको दिखाना चाहता था, दिखाओ भैया। चलो मेरे को दिखाओ फिर फोन भैया हमारे करेंगे। एक ये बैट मैंने स्पेशली निकाल रखा है जो कि थिकर प्रोफाइल है, एंड में अगर हिटिंग के लिए चाहिए तो ये प्रोफाइल का बैट मैंने चूज किया हुआ है कि जिसका सारा बैलेंस मिडल में है, टो भी अच्छा है, एजेस भी बहुत थिक है, स्पाइन भी माउंटेन की तरह है, और इसका वेट है 1168 ग्राम। आपने भी एक चीज बोला कि एंड में अगर हिटिंग के लिए चाहिए होगा तो, और जिसको स्टार्टिंग से हिटिंग के लिए चाहिए लाइक मी, सीधा ये ले जाओ। ये गाइस व्लॉग से मैं आप सभी के लिए लेके आता हूँ, क्योंकि आप लोगों को ना देखना है कि क्रिकेट बैट्स कैसे होते हैं, उनके बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसलिए मैं आप लोगों के लिए व्लॉग्स बनाता हूँ। तो जितना हो सके उतना शेयर करा करो हमारे व्लॉग को भाई। बाकी देखो इसके पंच दिखाते आपको। मोए अरे मिनी जॉन जहाँ तेज नहीं मार रहा, वरना ऊपर लाइट वाइट लग जाएगी, इसलिए तेज नहीं मार रहा। ये देख लो, ये बॉल मार के भैया ने तोड़ दिया है भाई। ये हमारा एवरीडे वर्क है, एवरीडे वर्क, ये इन्वेस्टमेंट है। तो आरओआई क्या आ रही है भैया इसकी? फिर इसकी आरओआई मैं अभी कैलकुलेट करके बताता हूं। एक बैट का वेट है 1160 ग्राम्स एंड एक का 1168, और स्टिकरिंग करने के बाद हो जाएगा 1180 ग्राम। 1180 ग्राउंड हो जाएगा। जब भी गाइस आप लोग बैट ऐसे लेते हो तो स्टार्टिंग में वेट अलग होता है, बट जब स्टिकर लगता है और उसका जब ग्रिप लगता है तो उसका वेट चेंज हो जाता है। exactly. ना exactly. और जैसे भी ये जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको लाइक बैट पसंद करना है तो वो कैसे पसंद कर सकते हैं बैट? उनको सबसे पहले अपना बॉडी वेट बताना होता है और उनको अपना प्लेइंग स्टाइल बताना होता है। कोई अगर स्ट्रेट प्लेयर है तो उसके लिए प्रोफाइल आएगी मिड प्रोफाइल, ठीक है। और कोई अगर हार्ड हिटर है और वो उसको खुद को पता है कि उसकी बॉल ज्यादातर टो की तरफ लगती है तो उसे फुल प्रोफाइल उसका। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसका बैटिंग डाउन क्या है। अगर वो ओपनर है तो बॉल ज्यादा लो नहीं रहेगी, ज्यादा लो नहीं रहेगी तो ज्यादा मिडल में आएगी, तो उसे मिड टू लो प्रोफाइल देंगे हम। मिड टू, और क्योंकि वो हार्ड हिटर का भी काम करेगा, स्ट्रेट बैट से भी खेल सकता है। अगर वो टेल एंडर बैट्समैन है या फिर उसकी बैटिंग बाद लोअर ऑर्डर में आती है और वो सिर्फ हिटिंग करता है तो उसे बिल्कुल लो प्रोफाइल बैट देंगे ताकि बॉल नीचे भी रहे तो भी आपकी टो से बॉल जाए। अच्छा, आप जैसे बहुत सारे मेरे दोस्त यार होंगे जिनको ये चीज़ का नहीं पता होगा, तो उनके जाके ये इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर करना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं लड़के कि उनको पता ही नहीं होता कि उनको कैसा बैट चाहिए, किस रेंज का बैट चाहिए, तो वो लोग जाके ना प्लीज ये इन्फॉर्मेशन को फैला दो अपने दोस्तों यार के साथ, और हमारे भैया को आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हो इस चीज़ के। भैया हैमर से नॉक क्यों करते हैं वैसे? इसके फाइबर जितने ज्यादा डेंस होंगे उतनी बैट की लाइफ बढ़ेगी। अच्छा। और उतना ही अच्छा पंच निकलेगा, लेकिन ओवर नॉकिंग नहीं करनी, बस हमें फाइबर्स को डेंस करना है, एजेस को राउंड करना है, टो को थोड़ा सा राउंड करना है ताकि क्रैक जल्दी ना आए। हाँ। और बॉल का इंपैक्ट जो सीम का निशान होता है, बॉल का निशान होता है, वो ज्यादा डीप ना आए। बस ओवर नॉकिंग से बैट हमेशा खराब होगा। सो गाइस बैट का तो भाई हो गया, अब आप लोगों को लेके चलता हूं भाई एक चीज की तरफ, पैड और ग्लव्स। भाई जब मैंने ये पैड देखे ना, मुझे सच बताऊँ प्यार हो गया भाई इन पैडों से। इतने प्यारे भैया ने पैड बना रखे हैं, जितने प्यारे भैया हैं ना उतने प्यारे भैया ने पैड्स को बना रखा है, और उससे ज़्यादा प्यारे ये बैट्स हैं यार। इतने ज़्यादा भैया प्यार आप कहाँ से लाए हो? बस एफर्ट। वेरी गुड यार भैया यार, ये तो गाइस बात तो फैक्ट है, अगर आप लोग किसी चीज़ के लिए एफर्ट कर रहे हो तो उसका रिजल्ट आप लोग, जो भी काम करो, जॉब करो या अगर फील्ड में खेल भी रहे हो तो भी पैशन होना चाहिए बस किसी भी चीज का, तो अपने आप से चीजें अच्छी होती है। तो आपको मैं अब इंतजार नहीं करवाऊंगा, अब मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ वो चीज जो बहुत ज्यादा प्यारी है। ये देखो गाइस, ये वाइट पैड देखो यार, कितने ज्यादा प्यारे लग रहे हैं यार गोल्डन स्ट्रैप्स के साथ भाई साहब। ये देखो यार नेक्स्ट लेवल भाई, ये देखो गाइस कितने ज्यादा प्यारे हैं यार भाई साहब। लेगेसी प्रो इसका नाम है, इस पैड का उस्ताद लेगेसी प्रो। ग्रेट यार भैया यार, थैंक यू सर, ग्रेट। और फिर आते हैं हम लोग ब्लैक की तरफ। ब्लैक में अगर भाई गोल्डन स्ट्रैप्स मिल जाता तो भाई ये तो हो जाएगा कि भाई प्यार में तुम सक्सेसफुल हो गए कि तुमने लव मैरिज कर ली।
कि भाई तुम रिलेशन में रहे भाई 7-8 साल तक, और फिर तुमने भाई उसके बाद लव मैरिज कर ली भाई। ये देखो गाइस पैड देखो यार भाई, ग्रेट यार, ग्रेट पैड भाई, मजा आ गया। अब तो मैं बस एक्साइटेड हूँ भैया आपके पैडों से खेलने के लिए और आपके बैटों से खेलने के लिए। अच्छा एक चीज तो रहेगी, क्या ग्लव्स? ग्लव्स भी रखे, ग्लव्स दिखाना रहेगा भैया हमारे व्यूअर्स को यार, पहले ही रखे हुए आपके लिए तो ग्लव्स। ओहो गाइस देखो यार ग्लव्स देखो यार, ओहो हो हो, इसमें भी गोल्डन स्ट्रैप्स भाई। ये मतलब ये भी गोल्डन स्ट्रैप्स का आपको आइडिया कहाँ से है? बस मेरे को पसंद है व्हाइट के साथ गोल्ड ज्यादा अच्छा लगता है, और ब्लैक प्योर व्हाइट तो सिंपल सिंपल हो जाता है, लेकिन व्हाइट के साथ गोल्ड ज्यादा प्रीमियम लगता है, और ब्लैक के साथ भी गोल्ड लकीली बहुत अच्छा लग रहा था तो मैंने यही डिजाइन फिर चूज किया। और भी आपको उस दिन पता चल गया था कि अंकित कुमार आएगा इस ब्रांड से खेलेगा, तो आपको पता था तो प्रीमियम करने का। हाँ वो तो करना ही है, वो तो करना ही है आपके लिए, तो करना ही है, क्रिसमस के लिए भी करना ही है। हाँ थैंक यू सो मच भैया। ये देखो गाइस ये है वाइट वाइट ग्लव्स अपने, और ये रे भाई देखो अपने ब्लैक ग्लव्स। गाइस कितने ज्यादा प्यारे लग रहे हैं यार ये भाई, जितने प्यारे आप लोगों को वीडियो में दिख रहा है ना उससे ज्यादा प्यारे ये सच में है भाई, बहुत ज्यादा ही प्यारे हैं। गाइस वीडियो में तो आप लोगों को इतना ढंग की चीजें पता नहीं चल सकती, जो मेरे को दिख रहा है अपने आंखों के आगे चीजें। अभी आप लोगों को जरा टोटल बताते हैं कि हमने क्या क्या लिया थोड़ी देर में, इन 3, 2, 1। सो गाइस हमने लिया देखो टोटल ये सारा सामान, ये अपने व्हाइट पैड, ये ब्लैक पैड, एंड 2 pair ऑफ ब्लैक ग्लव्स एंड 1 pair व्हाइट ग्लव्स। अभी जो एक और व्हाइट ग्लव्स था वो भैया के पास लेफ्टी के हैं, और भैया ने चेकआउट नहीं करा, भैया ने वैसे मेरे लिए बचा के रखे थे, बाकी सारे सोल्ड आउट हो चुके हैं, बट भैया कह रहे हैं 3 से लेकर 4 दिन में एक और व्हाइट ग्लव्स आ जाएंगे। तो ये सारा सामान है, और बैट देख लो गाइस अपने, ये दोनों बैट फिलहाल मैं लेके जा रहा हूँ, एक कवर में आ गया, एक भैया थोड़ा प्रीमियर कवर दो अपने को, तगड़ा वाला कवर दो भैया एक, हाँ अपने प्रीमियर कवर चाहिए एक। अब निकला ना गाइस देखो कुछ चीज निकलने जा रहा है खजाने में से, बहुत तगड़ी चीज। ये मैंने अभी तक किसी को दिया ही नहीं है, तो भैया फिर हम भी किसी में आए हैं क्या अब? ये प्योर लेदर कवर, प्योर लेदर कवर है। ओहो हो हो गाइस देखो कवर देखो, बताओ यार अगर अगर हम भी भैया किसी में आएंगे तो क्या बात है? नहीं ये अभी लॉन्च ही नहीं किए थे मैंने, इसीलिए अब कर दिया ना लॉन्च, ये अभी सिर्फ सैंपल के तौर पे मैंने तैयार किए थे, लेकिन कोई नहीं मेरे को तो पसंद आए, तो बड़ा ही लग रहा है, आपको पसंद आएंगे कि नहीं, तो बड़ा ही कवर लग रहा है ये पक्का, तो मेरे से कोई ना कोई छीन लेगा, कोई ना कोई सीनियर होगा जो ये व्लॉग देख भी रहा होगा बैठ के, वो मेरे से पक्का छीन लेगा, तो बड़ा ही लग रहा है गुरु ये तो। देखना ऐसा लग रहा है बंदूक निकलने वाली है इसके अंदर से, एनी टाइम निकल जाएगी बंदूक। सो ये गाइस ये अपना सारा सामान है, ओवरऑल टोटल सामान, किट बैग भैया भी जल्दी बनाने वाले हैं, फिर किट बैग भी अपने पास आ जाएगा। अपन अब सारा सामान अस्ताद स्पोर्ट्स का ही यूज करने वाले हैं, 100%। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड सपोर्ट, आपका सपोर्ट भी, अरे भैया अपना तो भैया फॉरएवर रहेगा। बाकी गाइस अब अपन करेंगे, अब इतना सामान है तो भाई यहाँ से तो भाई करनी पड़ेगी अपने को कैब, और सेकंड टाइम पे अपनी स्कूटी खड़ी है तो कैब करते हो फिर निकलते हैं। तो भाई अपना सामान देखो कुछ ऐसा पैक कर दिया है भैया जी ने, थैंक यू सो मच भैया। ये आपके ग्रिप्स, ये हमारे ग्रिप्स, क्योंकि आप सभी को पता है कि ग्रिप्स हम लोग कितनी जल्दी फाड़ते हैं भाई, जब पूरे दिन भर बैटिंग करें तो ग्रिप तो फटेगी। तो ये एक छोटा सा और गिफ्ट हमारे भैया जी की तरफ से, प्यारे भैया जी की तरफ से, थैंक यू सो मच भैया। तो इसके अंदर हमने लगभग सारा सामान रख दिया है, बैट्स ये रहे एंड ग्रिप्स ये रही, ग्रिप को तो मैं अपने बैग के अंदर ही डाल लूंगा, और ये सारा सामान अभी हम लोग लेके निकलने वाले अब घर के लिए। बात मुझे खेल के बताना, खेल के गाइस हाउ इज द क्वालिटी, डन है। और बाकी गाइस रिव्यू बैट का जो रिव्यू है, एक मिनट बैट उस टाइम पे हाथ में होना चाहिए, जो ये बैट है इनका रिव्यू व्लॉग आप लोगों को चाहिए कि नहीं ये चीज मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बता के जाना। साथ ही साथ पैड ग्लव सब चीज का आप लोग मुझे बता के जाना कि आप लोग किस चीज के ऊपर रिव्यू व्लॉग चाहिए, तो कमेंट्स करके जरूर बताना। और इससे पहले आपने भी किसी को स्पॉन्सर करा है वैसे? नहीं, फर्स्ट हूँ भाई, फर्स्ट। यार ये अच्छा लगता है यार कि मतलब कोई ब्रांड आपको इतना ज्यादा सपोर्ट कर रही है और इतना ज्यादा सोचती है। खोज के निकाला मैंने, थैंक यू सो मच भैया, आपने मेरे को खोजा और आपने मेरे को बाहर निकाल लिया, थैंक यू सो मच भैया। एंड आई होप कि ये बैट भी मेरे को जल्दी बाहर निकाले, मतलब कि बॉल को बाहर निकाले गाइस, 100% फिर गोप्रो में तो दिखेगा ना भैया इस बैट से छक्के लगते हुए। मैं वेट कर रहा हूँ बस गोप्रो व्लॉग। गाइस कल ही अपना मैच है, कल ही बना दूं क्या नए बैट से खेलते हुए? थोड़ा सबर करो गाइस, थोड़ा सबर करो, बनाएंगे जरूर आप लोगों के लिए व्लॉग, जरूर बनाएंगे। इस व्लॉग को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, आई होप कि आप लोग यार व्लॉग अच्छी लगी होगी, अगर व्लॉग अच्छी लगी तो व्लॉग पे लाइक और कमेंट करना मत भूलना, और शेयर जरूर करना, और सब्सक्राइब भी करना, सब्सक्राइब सबसे इम्पोर्टेंट है, बेल आइकन भी दबानी है, हाँ बेल आइकन बटन भी दबानी है, और अस्ताद स्पोर्ट्स को भी फॉलो करना है गाइस, अस्ताद स्पोर्ट्स को, ये रहा अस्ताद स्पोर्ट्स, इसको जाके फॉलो करो, फैला दो फैला दो। सो मिलते हैं बहुत जल्द नई व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। देखो मैंने सारे बैट देखे, ये बैट भी सारे चेक कर दिए, ये भी मैंने ऑलरेडी सारे बैट चेक कर लिया, बट वही है जो बैलेंस मुझे चाहिए और जो वेट मुझे चाहिए उसके हिसाब से ये दोनों बैट मेरे एकदम प्रॉपर है।